ले लो ले लो, बढ़िया बढ़िया जूते ले लो, बॉक्सिंग वाले जूते, ग्लव्स वाले जूते, जूते के ऊपर वाले जूते, जूते ले लो जूते। चीखते चीखते चिल्लाते चिल्लाते जूते बेचते बैठ गया गला। कब तक चिल्लाता रहूंगा, वीडियो स्टार्ट करने मैं तो चला। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। अरे अरे अक्षय भैया, इसमें औरत का क्या कसूर, जूते के आगे क्या मर्द और क्या औरत, सब एक समान है। हेलो हेलो हेलो, आज करते हैं शॉपिंग बेमिसाल, बिना किए कोई सवाल, फैक्ट भाई का कबूल कीजिए सलाम, जूते का आज देखिए कमाल, ना करो टाइम को और मिस, विदाउट एनी हैसल, शूज दैट आर यूनिक, वियर्ड एंड क्रेजी, वॉच टिल द एंड, डोंट बी लेजी। सो फ्रेंड्स, प्रेजेंटिंग बिफोर यू शॉपिंग फ्रीक शू लवर एपिसोड ऑफ फैक्ट भाई, टाइटल क्रेजी एंड वियर्ड शू ऑफ द वर्ल्ड। मित्रों, भूखे पेट कोई भी जंग लड़ी नहीं जाती और खाली पेट चला नहीं जा सकता, तो बस कुछ लोगों ने अपने खाने को अपने पैरों में ही पहनना शुरू कर दिया। नहीं यकीन होता तो खुद ही देख लो। अब इनको केला इतना पसंद है, इतना पसंद कि वो केले के आकार के जूते पहन के चलते हैं। क्या इस तरह के जूते रियलिटी में कोई पहन सकता है? केला ऑलरेडी इतना फिसलता है, उस पर से अगर केले वाले हील्स लगी हो तो इंसान सिर्फ जमीन से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से फिसल जाएगा। वैसे कोई इन बनाना लवर को बताए कि बंदरों को भी केला बहुत पसंद है, कहीं ऐसा ना हो ये लोग केले खाते रह जाएं और बंदर इनके पैरों के नीचे के केले खिसका ले, इनके शूज खिसका ले। दोस्तों, हमारे मेन्यू की अगली डिश है, अगला जूता है द बर्गर शूज। बर्गर का असली मजा तो एक्स्ट्रा चीज और एक्स्ट्रा टिक्के के साथ आता है, लेकिन अगर इसी बर्गर पे सोल और लेसेस लग जाएं तो ये जुगाड़ आपके पैरों में फिट हो जाए तो ऑफ कोर्स आप किसी जोकर से कम नहीं लगेंगे। मगर ऐसी जुगाड़ को किसी ब्रांड का नाम मिल जाए तो जोकर को जेंटलमैन बनते देर नहीं लगती। और वेल, ब्रांड का नाम आए और नाइकी का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। सो ये रहा नाइकी कंपनी का बनाया हुआ नाइकी बर्गर शूज, खास करके उन लोगों के लिए जिन्हें बर्गर जान से भी प्यारा है। वैसे मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगा, मुझे सैंडविच, बन, हाफ फ्राई एग और नूडल्स बेहद पसंद है। होपफुली मेरे टेस्ट को भी कोई ब्रांड मिल जाए। अब फ्रेंड्स, इतने लजीज पकवानों के जिक्र के बाद कुछ मीठा हो जाए, कुछ यमी पेस्ट्रीज या फिर थोड़ा चॉकलेट स्निकर्स, मजा आ गया और हैरानी भी हुई इतनी लजीज और यमी टेस्टी जूते देखने के बाद। बाप रे फ्रेंड्स, अब तक हमने की पूरी लोगों की चर्चा, लेकिन अब बात करेंगे उन लोगों की जिन्हें जानवर, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े वगैरह वगैरह बहुत पसंद है, और उनकी ये पसंद साफ साफ जाहिर होती है उनके शूज से। पूछत कबीरा ये कैसा जूता, चूहा का चमड़ा पैरों में ठूसा, बिच्छू जैसन मारे डंग, औरत पहने कबूतर पंख, मगरमच्छ का दांत जैसन खतरा, केकड़ा को काहे पिंजरे में पकड़ा, मछली अब जल की रानी नहीं, दांत अब पैरों की निशानी बनी, कुत्ते की दुम अब हो गई है सीधी, ऑक्टोपस के हाथ कदम हो टेढ़ी। मेरे प्यारे भाई और उनकी बहनों, किसी महापुरुष ने क्या खूब कहा है, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, वैसे ही अगर चाल सीधी हील से ना सुधरे तो हील्स रिवर्स यानी उल्टी करनी पड़ती है। मगर कुछ मोहतरमा थोड़ी जिद्दी मिजाज की होती है, इसलिए उनको डबल धमाके की जरूरत होती है, मतलब एक से भले दो और दो से भले चार। नारे बाबा ना, आमा मियां किस मिट्टी की बनी हो मोहतरमा, लोगान से एक हीला नहीं संभाली जाती, तुम ना दो दो हीला कैसे पहनती रे बाबा, तुमको परेशानी नहीं होती क्या? जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम। वेल, बीवी लंबी हो तो चलेगा, लेकिन बीवी की सैंडल की हील अगर 10 इंच लंबी हो तो पति को कैसे चलेगा? इमेजिन अगर हील की मीनार में क्रैक आ जाए या फिर हील टूट जाए तो हॉस्पिटल के चक्कर और लाखों का बिल। इसलिए सभी पति अपनी अपनी बीवियों का इंश्योरेंस जरूर करवाए। सत्य वचन, फैक्ट भाई की एक सलाह मानना, अपनी बीवी को कहीं घुमाने बदले जाना, क्या पता किस बिल्डिंग या सीनरी से बीवी इंस्पायर हो जाए और उसी के टाइप का जूता पहनना शुरू कर दे। दोस्त अपनी बीवी के साथ बुर्ज खलीफा घूमने गया, घर लौटते ही भाभी जी ने हूबहू बुर्ज खलीफा जैसे शूज खरीद लिए। अब पूरे मोहल्ले में एक ही गाना गाती है, और जब लॉकडाउन के समय घर से निकलना बंद हो गया तो मेरे दोस्त ने भाभी जी के लिए टेरेस गार्डनिंग शुरू कर दी। बस फिर क्या था, भाभी जी ग्रीनरी से इतनी इंस्पायर हो गई और तुरंत ऑनलाइन शॉपिंग से नेचर लवर वाले जूते ऑर्डर कर दिए। हमारी भाभी जी भी गजब है, कभी एप्पल के सीईओ से इंस्पायर होकर आईफोन शूज खरीद लेती है, तो कभी कैक्टस के कांटों से इंस्पायर होकर तेज तीखे जूते ले लेती है। और तो और, भाभी जी सलमान खान की भी बहुत बड़ी फैन है और उनके दबंग वाले डायलॉग से भी इंस्पायर हो गई। और खरीद लिए सेल से छेद वाला जूता। अरे भाभी जी, अगर ऐसे ही बात बात पे इंस्पायर होती रही तो मेरे दोस्त को अपनी जीन्स बेचकर अपने लिए चप्पल खरीदनी पड़ेगी। करेक्ट अक्षय भैया, करेक्ट।
आई एग्री विद यू। दोस्तों, हमारी दुनिया में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। सबके अलग अलग पसंद और नापसंद होती है। कुछ लोग जरूरत से ज्यादा आलसी होते हैं, इनफैक्ट इतने आलसी कि वैक्सिंग ही नहीं कराते और उसके ऊपर से बाल बाल वाले जूते भी पहन लेते हैं। वैसे आप तो वैक्सिंग कराते हो या नहीं, कहाँ कहाँ कराते हो? मेरा मतलब है, अगर आप सबको कॉम्प्लेक्सिटी पसंद है, देन यू मस्ट ट्राई पॉली क्लिप शूज। जरा इस जूते की क्लिप्स को देखिए, 1, 2, 3, 4, बाप रे बाप, जितनी देर में मैं जूता पहनूंगा उतनी देर में तो मैं नंगे पैर ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। 1, 2, 3, 4, बाप रे बाप। वैसे फैशन के घर के दरवाजे हर किसी के लिए ओपन है, लेकिन किंतु परंतु अब हम जैसे आराम तलब लोगों के लिए जूता ऐसा हो जो पहन लिया और कुछ भी करना ना पड़ा। ये क्या है? अबे ये दरवाजे की चौखट पहन के अबे कहाँ चलनी मोहतरमा? कुछ नहीं करने का मतलब ये नहीं कि ये लकड़ी का ब्लॉक पहन लो और कुछ कर ही ना सको। और अगर है हिम्मत तो चलिए इस जिगेंटिक जूते को पहन के दिखाओ और मैराथन भागो। जीतने का तो पता नहीं, लेकिन वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट शूज का खिताब तो जरूर मिल जाएगा। आई मीन दिस इज रिडिकुलस, इट्स अ प्योर मिसयूज ऑफ स्लिंगशॉट, प्योर मिसयूज। अरे बुटवा, ये सिंगल शॉट का होता है। सिंगल शॉट मतलब गुलेल चाचा, गुलेल। थोड़ा गूगल भी क्या करो चाचा, जब देखो व्हाट्सएप करते रहते हो। अरे गजब, हम तो गुलेल खाली बंदरबा और कुतबा को भगाने के लिए इस्तेमाल करत रही, ली चप्पल भी बन सकत रही, हम तो जानते ही नहीं रहे। ओ प्लीज चाचा, अब आप तारीफ मत करिए, एक मोची ने तो पुराने कीबोर्ड को भी नहीं बख्शा, उसकी भी चप्पल बना डाली। अनबिलीवेबल, शॉकिंग। अरे फिर से गजब। अरे ये आइडिया तो हमको आया ही नहीं, हमारे पास ढेर सारा बेकार कीबोर्ड पड़ा है, अभी जुगाड़ उसमें लगवा लेता हूँ। What did you say? अगर सब लोग गुलेल और कीबोर्ड की चप्पल बनाकर पहन के घूमेंगे तो देश के बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम जैसे बाटा, लिबर्टी, प्यूमा, एडिडास, इन सब का क्या होगा? भाई वाह, अगर ये सारी वैरायटीज अमेज़न या फ्लिपकार्ट में अवेलेबल होती फिर कौन पूछता प्यूमा, बाटा, लिबर्टी या मोची। ऐसे ऐसे जूते जो बने हैं हर रिक्वायरमेंट के लिए, स्क्रू वाली हील इंस्टॉल्ड है ताकि आप कंफर्ट से जिए, जो छूना हो तुम्हें सुपर पैंट। दिस लेगिंग शूज परफेक्ट स्टैंड, हसीन वादियों की सैर कर लो या फिर हैमर और लैम्बोर्गिनी को कैद कर लो। कुछ अटपटा, कुछ बिल्कुल बेकार, कभी आए सनी लियोनी की याद। रखो गेम पोकेमैन गो टाइप और भागो सरकार, गोली चलाओ घोड़े पर सवार, जो कदम हो शीशा तो संभल कर चलना, क्यूट क्यूट टेडी को पसंद करो मोहतरमा, कभी बकरे के बालों का खेत या फिर कभी बर्फ सा सफेद। फोटो ले लेकर थक गए बेचारी के हाथ, इसीलिए जूतों ने निभाया सेल्फी का साथ। भाई और बंधुओं, ये तो थी मेरी जुबानी, क्या है आप सबकी कहानी? कौन सा जूता खरीदने का बनाया है मन, या फिर इससे भी अलग है आपकी पसंद? अगर कुछ हटके है आपके पास तो कमेंट में शेयर करें हमारे साथ। ज्ञान तो दे दिया फैक्ट भाई ने भरपूर, अब आएगा आपका क्रेडिट कार्ड बिल जरूर। अलविदा लेता हूँ दोस्तों, इस उम्मीद पर कि आपको ये नायाब शू वाला एपिसोड मजेदार लगा होगा। अगर लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा प्लीज, और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इन सारे जूतों में से कौन सा जूता आप खुद पर्सनली ट्राई करना चाहोगे। और अब अगर आपको फैक्ट भाई की ये नायाब वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी ही और नायाब वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नीचे दिया गया बेल आइकन भी दबाओ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।